हेलो स्टूडेंट, आज हम लाइट चैप्टर का कुछ इम्पॉर्टेंट बात आपको बताएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इस चैप्टर का रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शन। नंबर वन, वी शुड टेक केयर ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट। द टू स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को केयर करना है, ये डायग्राम को केयर करना है, इस डायग्राम को केयर करना है, एंगल आई एंगल आर, हाँ नॉर्मल प्लेन मिरर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको केयर करना है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई एट द सेम प्लेन, ये दोनों स्टेटमेंट का केयर करना है। उसके बाद आइए, हाँ रियल एंड वर्चुअल इमेज के बारे में केयर करें आप। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी तैयारी में इसको केयर करें, फिजिक्स की तैयारी में रियल एंड वर्चुअल इमेज का बीच का डिफरेंस। उसके बाद आइए मिरर में, मिरर का जो बेसिक आइडिया है प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा आइडिया रखना चाहिए। इट ऑलवेज फॉन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, इसका केयर करो। उसके बाद जो इमेज बनता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है, वो भी काफ़ी केयरफुल चीज़ है। फोकल लेंथ का वैल्यू जो होता है इन्फिनिटी होता है प्लेन मिरर में, इसका केयर करो। उसके बाद थोड़ा स्फेरिकल मिरर का आइडिया ले लो, यूज़ जो होता है कैलिडोस्कोप में होता है और लुकिंग ग्लास में भी होता है, टेलीस्कोप में होता है, ये सब का केयर करते हुए स्फेरिकल मिरर 10th क्लास के लिए काफ़ी जरूरी इम्पॉर्टेंट है ये बात। तो इफ़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कर्व और इनवर्ड और आउटवर्ड देन द मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर का मीनिंग को केयर करें, ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ स्फेयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, ऐसे भी आप बोल सकते हो। स्फेरिकल मिरर में दोनों काइंड का ध्यान रखना है, एक कनके मिरर क्या है और कनके मिरर को क्या बोला जाता है, कन्वर्जेंट मिरर, रीजन उसका पूछेगा। दूसरा बात, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का मीनिंग जानना चाहिए। आप कनके कन्वेक्स मिरर में आओ, कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, इसका केयर करो। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, कैसे आप मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बताओगे, इसको केयर करो। रेडियस ऑफ कर्वेचर का सिंबल कैपिटल आर है। द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑफ विच द स्फेयर इज पार्ट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको केयर करो। मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, इसको केयर करो। एनी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, इसको केयर करो। ये सारे टर्मिनल एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आप एक चीज़ और ध्यान रखो, फोकस के बारे में, प्रिंसिपल फोकस के बारे में देखो, कैसे पैरेलल लाइट कनके मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद एक कॉमन पॉइंट पे मीट करता है और वो प्रिंसिपल फोकस के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन विच होल लाइट पासेस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अगर कन्वेक्स मिरर की बारे में बात करेंगे तो कन्वेक्स मिरर वाला में ये ध्यान में रखेंगे कि कन्वेक्स मिरर में केयर करेंगे कि यहाँ पर ऑल द पैरेलल रेज व्हेन इंसिडेंट ऑन द कन्वेक्स मिरर जस्ट गेट डाइवर्ज आउट एंड इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द पॉइंट विच लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये भी काफ़ी ध्यान रखना चाहिए कि फोकस का डिफिनेशन कैसे करें। तीसरा बात, फोकल लेंथ जो स्मॉल एफ होता है इसका मीनिंग आपको जानना चाहिए। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। फिर रिलेशन को केयर करना चाहिए, एपिस्कल टू आर बाई टू का केयर करना चाहिए, इसके बिना प्रॉब्लम नहीं बन पाता है। दूसरा बात है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेजेस फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर बाय यूजिंग रे डायग्राम में, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग रिवीजन होना चाहिए कि
कि रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस. आप इस नेचर को जाने. ड्यू टू दिस रीजन कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर. सेकेंड पॉइंट, वाई कन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर. द रीजन इज द that all the parallel rays when incident on the convex mirror after reflection it diverge out from the mirror and it appears to come from the point which appears to lie on the principal focus. That is called principal focus of the convex mirror. इशारी line को ध्यान रखें आप. इसके बाद एक और rule है. When light is allowed to pass through the center of curvature it will after reflection returns back and retraces the path. This is the rule you should think of and revise. In the case of convex mirror, when light incident on the convex mirror at any one point in the upper part of the mirror, it appears to go to the center of curvature. No need to show with a solid line. Ye dotted line se jata hai. And it returns back in the same direction by following path. To ye sara cheez dhyan mein rakhna hai. Image formation jo hai concave mirror se aata hai examination mein. और कोई भी एक आ सकता है. इसमें सबसे पहला कंडीशन जो है इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रख करके देखा जाता है और इसमें इसका नेचर इमेज ऑपोजिशन ऑफ द इमेज का ध्यान रखना चाहिए. ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस बनेगा और इस तरह से बियॉन्ड सी है तो कहाँ बन रहा है इसका केयर करें आप. सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है. रियल है इन्वर्टेड है इसका केयर करें. अगर सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया है तो कैसे इमेज बन रहा है बियॉन्ड सी. रियल है हाँ इनलार्ज है इसका केयर करें. फोकस पर अगर रख दिया गया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशंस है. ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. एट एफ वाला और बिटवीन पोल एंड फोकस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको लिया जाता है. कैसे डॉटेड लाइन दिखाया गया है ये वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बना. तो ये ध्यान में रखते हुए कभी कदाल यूजेज भी पूछ देता है क्वेश्चन में. कॉनकेव मिरर का जो यूज है डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं टीथ ऑफ द पेशेंट को चेक करने में. टॉर्च में यूज होता है ये भी ध्यान रखना चाहिए. सर्च लाइट में यूज होता है. व्हीकल्स का हेडलाइट में यूज होता है तो ये सब केयर करना चाहिए. और सेविंग मिरर में भी कौन सा मिरर यूज होता है उसका नाम जानना चाहिए. कॉनकेव मिरर बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में बच्चे उल्टा लिख देते हैं. फिर आ जाइए कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको. फिर से इमेज फॉर्मेशन का जो रूल है इन्फिनिटी पर रखने से कैसे फोकस पर अपीयर हो रहा है नेचर और उसका साइज और पोजिशन ऑफ द इमेज ये सारा चीज़ आपको रिविजन करना होगा. यूज का जहाँ तक सवाल आता है तो कन्वेक्स में कैसे रियर व्यू मिरर का यूज होता है व्हीकल्स में ये ध्यान में रखना चाहिए. और लार्ज फील्ड ऑफ व्यू होता है इसलिए सब दिखाई पड़ता है साइड मिरर में. और सिक्योरिटी मिरर में भी शॉप्स में भी ये यूज होता है. तो ये सारे चीज़ आपको केयर करने हैं. अलॉन्ग विथ अगर लाइट का आप रिविजन कर रहे हो और एग्जामिनेशन में अपियर होना चाह रहे हो तो मिरर पर होना तो मस्ट है. जैसे 1/V + 1/U = 1/F इसका ध्यान रखो. उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए मैग्नीफिकेशन क्या है कैसे हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है. मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय मिरर में कैसे निगेटिव विद द V/U है इसको ध्यान में रखो. अगर बाय द वे मैग्नीफिकेशन 1 आ गया तो HI और HO दोनों इक्वल हो गया सेम साइज हो गया. मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 आ गया तो इमेज स्मॉलर हो गया ऑब्जेक्ट से. मैग्नीफिकेशन लार्ज देन 1 आ गया तो इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज हाइट ऑफ द जो साइज ऑफ द इमेज है वो लार्जर हो गया ग्रेटर हो गया देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. निगेटिव मैग्नीफिकेशन रहने से रियल और इन्वर्टेड इमेज होता है. पॉजिटिव रहने से वर्चुअल रिएक्ट होता है. ये सारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिवाइज करो तभी लाइट पे कमांड हो सकता है. और जहाँ तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सवाल है तो रिफ्रैक्शन एक अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. हाँ डिफाइन द रिफ्रैक्शन दिस इज द वेरी स्टार टॉपिक द चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अदर इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ये मीनिंग आपको जानना होगा. व्हाट इज द काउज काउज को भी केयर करना होगा. स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडिया इज द मेन काउज.
और डिफ्रैक्शन का एग्जांपल भी है, इसको आगे देखेंगे हम लोग। खासकर ए पेंसिल पार्शली इमर्स इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसका कारण एक्सप्लेन करना होगा डायग्राम के साथ। लॉन्ग क्वेश्चन में ग्लास स्लैब क्या है, ग्लास स्लैब का रे डायग्राम दिखाओ, कैसे तुम बताओगे कि इमरजेंट लाइट इंसिडेंट लाइट के साथ पैरेलल है, उसका मीनिंग क्या होता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसका केयर करो। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आ जाओ, दोनों स्टेटमेंट का केयर करो, स्नेल्स लॉ का मीनिंग जानो, साइन ए बाई साइन एस कर दो म्यू, ये म्यू या एन दोनों चीज़ लिखते हैं लोग आजकल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, कैसे ही वो साइन ए बाई साइन आर से म्यू मिलता है ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम अगर बोलते हो तो म्यू टू बाई म्यू वन बोलो या साइन ए बाई साइन आर बोलो। सेकेंड स्टेप में आ जाओ, अगर रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑफ ग्लास का डिसाइड करना चाहते हो वाटर के साथ, तो रिफ्रैक्टिव ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर ईच, ऐसे याद रखो। अगर ओरिजिनल फंडामेंटल नॉलेज का केयर करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम से भी केयर करना चाहिए। अगर आप एयर में जा रहे हो तो इस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6 का रिवीजन कर लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज गिवन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज ऑल्सो गिवन, हाउ टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास, आप इस फार्मूला को ध्यान रखो बन जाएगा। और इम्पॉर्टेंट लाइट में क्वेश्चन आता है, कन्वेक्स लेंस का आइडिया होना चाहिए, बीच में मिडिल में थिकनेस ज़्यादा, इजेस के पास नैरोअर होता है, इसका केयर करो। कनकेव मेन में देखो, मिडिल में थिन ज़्यादा होता है और इजेस पे क्या होता है, थिकनेस ज़्यादा होता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। फिर लाइट का ट्रैवलिंग ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड होता है, तो वो पॉइंट जहाँ से अनडेविएटेड होता है ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है दोनों लेंस के लिए। आप यहाँ पर आ जाओ, प्रिंसिपल फोकस के बारे में आइडिया ले लो, अगर एफ वन बोलते हो तो सारा का सारा लाइट पैरेलल हो जाता है, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। अगर तुम लाइट को किसी तरह से सेंड करते हो कनकेव मिरर में और आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल बट अपीयर्स टू गो टू द फोकस वन, ये दोनों प्रिंसिपल फोकस वन हो गया। सेकेंड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट साइड से लाइट पैरेलल भेजी गई है और राइट साइड में एफ टू मिल गया है, यही रियल में फोकस होता है कन्वेक्स लेंस का। कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है बिकॉज ऑल पैरेलल रेज डाइवर्ज आउट आफ्टर रिफ्रैक्शन एंड अपीयर टू कम फ्रॉम द एफ टू। फोकल लेंथ सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर को बोला जाता है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। आप इमेज कैसे बनाओगे, रे डायग्राम कैसे बनाओगे, तो इसका रूल को फॉलो कर लो, इन्फिनिटी से जाएगा तो फोकस से जाएगा चाहे जो भी लेंस हो। अगर फोकस से लाइट को भेजोगे तो बिकम्स पैरेलल होगा, लाइट अगर एनी डायरेक्शन से आ रहा है तो बिकम्स पैरेलल हो जाएगा, लगेगा कि वो फोकस पर जा रहा है। ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जाएगा सीधा दोनों लेंस में, इसका नॉलेज का डिसीजन होना चाहिए। इमेज फॉर्मेशन बार बार आता है और कोई एनी वन आता है, एनी वन के लिए आपको सब पे कमांड करना है। इन्फिनिटी वाला फोकस पर बन रहा है तो रियल और वेरी डिमिनाइज, उसके बाद 2F के बियॉन्ड में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो बिटवीन 2F एंड F2 बनता है, वो भी रियल इन्वर्स डिमिनाइज होता है। धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को 2F पर रखते हैं तो 2F पर ही बन जाता है, ये कारण को ध्यान रखना चाहिए। अगर एफ और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो लार्जर इमेज बियॉन्ड 2F2 बन जाता है, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। ये चारों डायग्राम का केयर करें, अगर फोकस पर आप रख देते हो तो इन्फिनिटी पर इमेज बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है, हाईली मैग्नीफाइड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है, जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तो कैसे वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनता है सेम साइड में वेयर द ऑब्जेक्ट इज पोजिशनड, तो काफ़ी मैग्नीफाइड भी मिलता है, ये सब रिवीजन करना चाहिए। और आप अगर कनकेव लेंस का देखते हो डायग्राम, तो रेज पैरेलल जैसे इन्फिनिटी से आएगा वो डाइवर्ज आउट होके फोकस मिल जाएगा, आप इसका नेचर बताओ वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली डिमिनाइज, इस तरह से इसका प्रैक्टिस कर लो। इस साइन कन्वेंशन का नॉलेज रखना चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कमांड होना चाहिए इस साइन कन्वेंशन पर। लेंस फार्मूला के बिना तो कोई आप क्वेश्चन ही नहीं बना पाओगे, 1/V - 1/U = 1/F, सबको ध्यान में रखना होगा, बहुत बच्चे यहाँ गलत कर देते हैं, मिरर फार्मूला लेंस में रखते हैं, लेंस वाले मिरर में रख देते हैं। दूसरा बात, अगर आप यहाँ देखोगे पावर ऑफ लेंस का कंसेप्ट का जहाँ सवाल है, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस, ये लैंग्वेज से आप ध्यान में रख सकते हो।
डायोप्टर इसका ऐसा यूनिट है, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। पावर अगर एक्सप्रेस कर रहा है 100 डिवाइडेड बाई एफ, तो वो यहाँ पर सेंटीमीटर वाला फोकल लेंथ रहता है, तो 100 से जब डिवाइड करोगे तो यूनिट बदल जाएगा। 1 डायोप्टर 1 पर मीटर ऑफ द फोकल लेंथ कहलाता है। ये सब ध्यान रखना चाहिए। कभी कदाल दो लेंस को कंबाइन कर दिया तो 1/f1 + m1/f2 से 1/f करके भी पावर लिखा जा सकता है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है, ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट लाएंगे तो टोटल मैग्नीफिकेशन मिल जाएगा। ये सब का केयर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, एनसीईआरटी फोल्डर की जहाँ तक सवाल है, तो सेम थिंग्स है। जिसको नॉलेज है वो f=r/2 से प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर ले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज नंबर 171 का, कि यहाँ पर कनकेव मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इसको रिवाइज करें। हाँ, रियल इमेज का वर्ड को केयर करें। अगर रियल इमेज बोला है तो आपको ये नहीं बोलना होगा। ये जो माइनस साइन लगता है वो रियल के लिए लगता है, जो आपको अपने अंडरस्टैंडिंग में यूज़ करना है। और इसी तरह सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर टिक करा रहे हैं। आप पेज नंबर 176 का जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप आगे जब बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और है। अगर मान लो किसी का वैल्यू दे दिया है 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, तो इसका केयर करो, कैसे क्या बोलोगे। उसके बाद कोई डायोप्टर में वैल्यू दिया हुआ है पावर ऑफ लेंस का, उसका मीनिंग बताओ। उसका एक नॉमरिकल्स है जो कन्वेक्स लेंस से रिलेटेड है, उसमें रियल इन्वर्टेड इमेज बता रहा है, तो आपको यूज करना है कि भाई यहाँ पर कितना क्या दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करके पावर ऑफ लेंस निकालोगे। लेंस फार्मूला की सहायता से फोकल लेंथ ले आओ, आपकी पावर आ जाएगा। तो पावर ऑफ लेंस कैसे कैलकुलेट करना चाहिए ये ध्यान में रखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात कर दिए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हो, फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, हाफ ईयरली एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो ऐसे टाइप का लाइट चैप्टर में इस तरह का क्वेश्चन का रिमार्क ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कहाँ पर एच ओ है, कहाँ पर एच आई है, हाँ कितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, ये सब का केयर करके साइन कन्वेंशन लगा के आप क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके बाद तुम देखोगे कि कैसे साइज ऑफ द इमेज लाया जाता है, ये भी केयर करो। दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैंने लिया है। पावर ऑफ द लेंस इज गिवन, हाउ टू कैलकुलेट फोकल लेंथ, दिस इज योर जॉब, यू डू बाय यूजिंग द फार्मूला। एक और बड़ा क्वेश्चन है, डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब दी करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर। जब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो प्लस किसका होता है, कन्वेक्स लेंस का होता है, तो पावर इज प्लस 1.5। लेंस का नाम तुमको बताना है और पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूला लगा कर सॉल्व कर देना है, हो गया। उसका नेचर से पता चलेगा कन्वर्जिंग लेंस से। इस तरह से मैंने ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस फर्स्ट वीडियो में मैंने दिया। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं और चर्चा करूँगा।